पढ़ने का सिंपल तरीका है, कमरा बंद और 15 घंटे। बोले कि सर मैं तो इतना पढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, 15 घंटे तो हो ही नहीं सकते हैं मेरे से कभी भी, कितनी देर तक सिटिंग लगाई जाए। कई बार मुझसे भी ये लोग पूछते हैं कि शॉर्ट सिटिंग अच्छी होती है, लॉन्ग सिटिंग अच्छी होती है, कि हमारा माइंड जो है, बोलते ना एक मंकी माइंड है, बहुत सारे क्लटर्स चलते रहते हैं उसमें, कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ ख्याल आता है, कभी बैठे बैठे कुछ और आ जाता है, कभी कुछ और दिमाग में आ जाता है। हाय, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इशू पर जो कि कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा करती है। कन्फ्यूजन ये पैदा करती है कि कितनी देर तक सिटिंग लगाई जाए। कई बार मुझसे भी ये लोग पूछते हैं कि शॉर्ट सिटिंग अच्छी होती है, लॉन्ग सिटिंग अच्छी होती है। मुझे एक एपिसोड याद आ रहा है, एक बार मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, क्लासरूम के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, और मेरे साथ कई टॉपर्स भी थे उसमें, उस टॉक के अंदर। और उसमें एक जो बहुत ही उत्साही ऊर्जावान IAS ऑफिसर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ अभी इस मंच पे, ही सेड कि पढ़ने का सिंपल तरीका है कमरा बंद और 15 घंटे, और वो 15 घंटे पढ़ाई कर लो आप IAS बन जाओगे। बड़े ही जोश के साथ उन्होंने कहा था और बच्चों ने भी बहुत सारी तालियां बजाई और वो भी, उनको भी अच्छा लगा। मेरे बगल में एक दूसरे IAS बैठे थे, बोले कि सर मैं तो इतना पढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, 15 घंटे तो हो ही नहीं सकते हैं मेरे से कभी भी, और 15 घंटे तो मैं कमरा बंद 15 घंटे वाला अप्रोच नहीं कर सकता हूँ। फिर बाद में जब वो मंच पे गए और उन्होंने बोला कि भाई मेरा एक अलग एक तरीका है, और मैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बार जब पढ़ने बैठता हूँ एक सिटिंग में तो आधे घंटे पढ़ सकता हूँ, और आधे घंटे के कई कई ऐसे एपिसोड्स लगा सकता हूँ। ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि ये दोनों ही एक ही साल में IAS बने थे, और दोनों में इतना अंतर था, एक की एक सिटिंग कैपेसिटी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं थी और वो IAS बन गए, उसी साल IAS बने, और दूसरा जिसने बताया कि वो कमरा बंद 15 घंटे IAS बन गए। तो कुल मिलाकर के जो बात सामने निकल के आती है कि कोई एक इसका जवाब नहीं हो सकता है, कि जिसके सहारे आप ये बोल दें कि लॉन्ग सेशन लगानी चाहिए या शॉर्ट सेशन लगानी चाहिए, ये बहुत ही निजी मामला है, इट इज़ वेरी वेरी पर्सनल, और दोनों ही मार्ग से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बताना मैं ये चाहता हूं कि आप ये देखें कि आपको क्या सूट करता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको समय देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये देखना कि हम कितने घंटे घड़ी पर नज़र रख करके पढ़ाई करें तो ये गलत होगा। अब जो आधे घंटे का सेशन लगाते थे वो आधे घंटे को नहीं देखते थे, अपने कंसंट्रेशन को देखते थे और अपने जो स्टडी है उसको देखते थे, उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी की। और जो 15 घंटे रखते थे वो भी 15 घंटे घड़ी देख करके 15 घंटे नहीं लगाते होंगे, और वो उन्होंने कुछ हफ्ते कुछ महीनों का उन्होंने ऐसा सेशन लगाया होगा, लेकिन उनको भी वो घड़ी पर नज़र नहीं होती थी। अगर आपको ये काम करना है, सिविल सर्विसेज देना है, एग्ज़ाम देना है, तो आप घड़ी से नज़र हटा करके अपने आउटपुट पर नज़र लगाएं, कि कंसंट्रेशन करें कि मेरे को क्या सूट करता है और क्या चीज़ मैं बेटर कर सकता हूँ, कौन सी जानकारी मेरे पास है जिसको मैं इतने कम से कम समय में एफिशिएंटली अक्वायर करके उसको एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपके अंदर है और आपकी एफिशिएंसी पर है। एक चीज़ आप जानते हैं, सिंपल सा एक S-curve इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट का एक सिंपल सा देखेंगे, पहले आप अगर एक्स एक्सिस पर अगर आप टाइम लगा दें और वाई एक्सिस पर आप आउटपुट लगा दें, तो शुरू में आप देखेंगे कि थोड़ी देर तो आपको कुछ टाइम तो जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, फिर एकाएक आप देखेंगे आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है और थोड़े से टाइम पर आपका ज़्यादा आउटपुट आने लगा है, फिर थोड़े टाइम के बाद आप पाएंगे कि ये एक प्लेटो हो जाता है। जब ये प्लेटो हो जाता है इसका मतलब आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम बीता जा रहा है लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। ऐसी चीज़ जिससे कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलती है उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्यों आप वहाँ पे टाइम खर्च करें जहाँ पे आपका आउटपुट नहीं निकलता है। तो डिसाइड करें कि आप कैसे अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं। अगर मेरी राय, पर्सनल राय अगर आप जानना चाहते हैं, तो व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस इज़ दैट कि आपका जो स्टडी जो सेशन है दैट शुड बी चॉप्ड इनटू स्मॉलर सेशंस,
और हर सेशन का एक सेशन टारगेट होना चाहिए कि हाँ मैं इस समय बैठा हूँ, आधे घंटे के लिए बैठा हूँ, 45 मिनट के लिए बैठा हूँ, जितनी देर का आपका कंसंट्रेशन बनता है और जब मैं उठूँगा तो उससे कुछ लेकर के उठूँगा, तो आपका फोकस अब कहाँ है? आपका फोकस टाइम पे नहीं है, आपका फोकस आपके आउटपुट पर है। इनपुट पर भी नहीं है, क्योंकि इनपुट अगर डाल दिया और उसे आउटपुट नहीं आ रहा तो वो बेकार का इनपुट है। तो आप फोकस अपने आउटपुट पर रखें कि इसको कब तक मेरी दक्षता, मेरी एफिशिएंसी बनी रहती है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आधे घंटे के बाद ही वो फेज़ आता हो, कुछ लोग का हो सकता है कि एक घंटे के बाद वो फेज़ आता हो, कुछ लोग बैठते ही कंसंट्रेशन में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि किस टाइप के इंसान हैं, आपको आपका कंसंट्रेशन किस लेवल पर आता है। और फोकस शुड ऑल्सो बी ऑन द मटीरियल दैट यू आर स्टडिंग। कई बार तो हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट आपको ज़्यादा एक्साइट करते होंगे तो उनका स्टडी सेशन लंबा भी हो सकता है। कुछ अगर आपने छोटे छोटे सेशन में ही बांट करके पढ़ाई की तो ज़्यादा समझ में आता है। हो सकता है कि वो टॉपिक कुछ अलग हो। तो दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक तो आप ये डिसाइड करें कि आपका सेशन कितना होना चाहिए आउटपुट के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से, ना कि केवल टाइम का इनपुट देखा जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि सब जगह वो एक ब्लैंकेट रूल लागू नहीं होगा। कुछ लोगों को हिस्ट्री पसंद आती है तो हिस्ट्री में लंबे सेशन लगा सकते हैं, कुछ लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो हिस्ट्री में छोटे सेशन लगा सकते हैं। तो सी इन टर्म्स ऑफ योर एक्चुअल आउटपुट, जो आउटपुट आपका आता है, क्योंकि एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, ये इनपुट का खेल तो है ही नहीं, ये आउटपुट का खेल है। और UPSC के एग्ज़ाम में आप अपना ध्यान, अगर मेरी बात माने तो, समय से हटा करके कंटेंट पर कर दें। घड़ी देख करके थोड़ी पढ़ाई होती है, कोई भी बड़ा सृजन होता है, कोई भी बड़ा काम होता है वो घड़ी देख करके नहीं होता है। तो आवर्स, सेशन, लॉन्ग सिटिंग, शॉर्ट सिटिंग, ये सब मायने नहीं रखते हैं। और जब आप तैयारी में घुस जाते हैं, ये सब चीज़ें तब मायने रखती हैं जब आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग। और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ऐसे प्लानिंग करके ऐसे जुगत में लगे रहते हैं कि कैसे कोई मुझे एडवाइस कर दे और उस एडवाइस को मैं फॉलो कर दूँ। यकीन मानो, आपको तो एक लीडर की तरह सेलेक्ट किया जा रहा है, आप तो खुद मिसाल बनोगे और आप जो भी करोगे हो सकता है बाकी लोग फॉलो करें। तो अभी आप ऐसे सवालों में कि लॉन्ग टर्म सेटिंग लगाऊं या शॉर्ट सेटिंग लगाऊं, इसकी जगह अगर आप क्या कर रहे हैं और क्या उससे निकल रहा है उस पर अगर ध्यान देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें मैं एक चीज़ और भी चाहूँगा कि हमारा माइंड जो है, बोलते ना एक मंकी माइंड है, बहुत सारे क्लटर्स चलते रहते हैं उसमें, कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ ख्याल आता है, कभी बैठे बैठे कुछ और आ जाता है, कभी कुछ और दिमाग में आ जाता है। तो एक ऐसा कोशिश करें कि हम अपने माइंड को एकाग्र करें। और हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कितनी खूबसूरत चीज़ है मेडिटेशन। आई लाइक ऑल ऑफ यू, जिनको भी थोड़ी ऐसी एकाग्रता या कंसंट्रेशन की दिक्कत आती है, सिटिंग लंबी नहीं हो पाती है या आउटपुट तक के लेवल तक की सिटिंग नहीं कर पाते हैं, उनको मैं खास करके रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा समय ज़रूर मेडिटेशन में दें। मेडिटेशन के बहुत सारी टेक्निक हैं, कोई सी भी सिंपल टेक्निक मेडिटेशन की ले लें आप, और मेडिटेशन करने पर आप पाएंगे कि आपकी जो ये सिटिंग कैपेसिटी है, रिटेंशन कैपेसिटी है, आउटपुट कैपेसिटी है, वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी। तो मेडिटेशन एक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ हर लोगों के लिए, और ख़ास करके स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, उनका कंसंट्रेशन ज़रूरी है और कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है। एक और भी एक वर्किंग एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा चलते चलते, कि अगर अपने स्टडी में थोड़ी डाइवर्सिटी रखें, थोड़ी वैरायटी रखें, तो आपकी स्टडी हमेशा रोचक बनी रहती है, अट्रैक्टिव बना रहता है। जैसे फ़र्ज़ कर ले कि आप कुछ चीज़ आपने रखी है ऐसी जिसको आपका मन नहीं होता है पढ़ने का, उसके कंसेप्ट आपको मज़ा नहीं देते, एक्साइट नहीं करते, तो आप ऐसा करो कि आप कुछ उनको पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीज़ रख लो जिसमें आपको रोचक हो, तो सडनली यू विल बी एक्साइटेड दैट हे इसके ख़त्म होते ही मैं वो एक्साइटमेंट वाला पोर्शन पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ। फिर उसके बाद कुछ और ऐसे ड्राइव वाले रख लो, फिर उसके बाद। आइडिया इज़ दैट इफ़ यू हैव ए वैरायटी इन योर स्टडी, आपको कभी भी घड़ी पर देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका माइंड हमेशा इफेक्टिवली इंगेज रहेगा। और यकीन मानो, ये एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ है आपके लाइफ का जिससे आप गुजर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को घड़ी की जगह अपने आउटपुट पर ध्यान दिया तो मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि मैंने दो स्टूडेंट्स बताया, दोनों ही IAS बने थे, दोनों ही एक साल में बने थे, एक ही साथ बने थे, और उनमें अप्रोच दोनों के बिल्कुल ही अपोजिट थे। एक बिल्कुल लॉन्ग आवर्स की बात करते थे, एक बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट आवर्स की बात करते थे। तो एक्चुअली बात आवर की नहीं है, यहाँ बात आउटपुट की है। एंड आई होप यू गॉट द मैसेज। माई बेस्ट विशेज़।